काल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं, शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मनुष्य केवल भौतिकता से सुखी नहीं हो सकता, अध्यात्म भी चाहिए, कुछ ऐसा भी हो जिसे आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भारतीय सनातन सत्य संस्कृति संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान हो। वहीं से नींव पड़ी श्री महाकाल लोक की। क्षितिज पर सूरज दिखाई देने से पहले ही उज्जैन की गलियां जीवित होती आई हैं। दूर से आती जय ध्वनि, आरती और श्लोकों से ये आसमान आदिकाल से गूंजता आया है। यहां भक्त अपने दिन की शुरुआत काल को रोके हुए महाकाल के दर्शन से करते आए हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसी इस महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजे हैं इकलौते दक्षिणमुखी शंभु। और केवल कुछ ही शहर ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास का दावा कर सकते हैं, क्योंकि उज्जैन सनातन के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक एक महान स्थान रहा है। ये एक पौराणिक नगरी है और इसकी केवल एक दो पहचान ही नहीं, ऐसी बहुत सी धरोहर हैं जो उज्जैन को महा उज्जैन बनाती हैं। शुरुआत में काल गणना का केंद्र बिंदु इसी को माना जाता था और विक्रमादित्य द्वारा शुरू किए गए संवत की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। विक्रमादित्य के अतिरिक्त कालिदास भी यहाँ के ही निवासी थे एवं इन्होंने यहाँ पर कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें उज्जैन के ज्यादातर स्थानों का वर्णन किया गया है। अनादिकाल से यहाँ पर विराजित महाकाल की इस नगरी में अन्य देवी देवताओं के भी धार्मिक स्थल है। यहाँ शक्तिपीठ, भगवान भोलेनाथ और कुंभ तीनों का मिश्रण है। स्कंद पुराण तो अवंतिका के उससे पूरा भरा पड़ा है कि स्कंद पुराण में तो इसकी जो गाथा है वो जब इसको पढ़ ले तो वो स्वर्ग को समझेगा कि मैं स्वर्ग में ही विराजित हूं। ये अवंतिका का इतिहास। उज्जैन का केंद्र बिंदु महाकाल मंदिर और इसी से लगा हुआ क्षेत्र है और ये उज्जैन के धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष का केंद्र भी है। श्रद्धा से उमड़ते दर्शनार्थी दुनिया के कोने कोने से महाकाल के दर्शन करने तो आ जाते थे, परंतु उनके कुछ पलों के दर्शन में कठिनाइयां भी बहुत थी। 25,000 से 30,000 श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और विशेष अवसर जैसे कि श्रावण के सभी रविवार एवं सोमवार को ये संख्या लगभग 1,00,000 के आसपास रहती है और ये संख्या महाशिवरात्रि और नाग पंचमी के पर्व पर 3 से 4 लाख के बीच पहुंच जाती है। नाग पंचमी का अवसर है या शिवरात्रि का अवसर है तो इस समय पे काफी आस्था का सैलाब लग जाता है। आसपास के नजदीक के गांव वगैरह की जनता आ जाती थी और
बाहर की सिटी वगैरह की भी जनता आ जाती थी, काफी लोग आ जाते थे यहाँ पर, और एकदम भगदड़ जैसा माहौल हो जाता था। मार्ग में रास्ता कम था, नजदीकी थी और व्यवस्था संभलती नहीं थी। श्रद्धालुओं के उमड़ते इस जन सैलाब को संभालना और सुविधाएं प्रदान करना एक बहुत कठिन कार्य था। यहां तक कि मंदिर के पुजारियों का मंदिर पहुंचना भी एक परिश्रम का कार्य था, और इन्हीं सब कारणों से यहां श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव में कमी रह जाती थी। यहां पर सिंहस्थ का आयोजन पहले से ही मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। पुलिस की तत्परता के बावजूद उन्हें भीड़ को व्यवस्थित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भीड़ को कंट्रोल करना और उनको सुचारू एवं सुरक्षित रूप से दर्शन कराना यहाँ की पुलिस व्यवस्था की हमेशा से प्राथमिकता रही है, और इस कार्य को कर्तव्य निष्ठा के साथ करने में इन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमेशा महसूस होती थी। मंदिर के इर्द गिर्द तंग गलियों की परेशानियों के अलावा महाकाल मंदिर से जुड़े पौराणिक रुद्र सागर की भी दशा बहुत ही बुरी थी। इसमें हमेशा कचरा और जलकुंभी भरी रहती थी, जो मंदिर की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था। इस बात से अवगत सरकार एवं प्रशासन काफी निराश थे, क्योंकि इससे श्रद्धालुओं के अनुभव में कमी रह जाती थी। वे चाहते थे कि जो भी श्रद्धालु आए वे बहुत ही अलौकिक अनुभव के साथ जाएं और सुविधा पूर्वक दर्शन करें, और उनका दर्शन इतना अविस्मरणीय हो कि वो पुनः आए और सिर्फ दर्शन ही न करें, यहां निश्चिंत होकर समय व्यतीत करें, जिससे उज्जैन वासियों के आय की सभी क्षेत्रों में वृद्धि हो। श्रद्धालु मंदिर समिति एवं प्रशासन की परेशानियों को समाप्त करने के लिए 2017 में श्री महाकाल महालोक के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। उज्जैन स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत श्री महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को पायलट एरिया के लिए चुना गया। इस क्षेत्र को भ्रमण एवं अवलोकन करने के बाद इसके अर्बन प्लानिंग इश्यूज को पहले समझने की प्रक्रिया शुरू हुई। जो बड़ी दिक्कत प्रशासन को समझ आई वो थी क्राउड मैनेजमेंट और ज्यादा भीड़ होने के कारण लोगों का अनुभव ठीक ढंग से ना होना था। मंदिर प्रशासन एवं पुजारियों से धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श का एक ही निष्कर्ष था, खोज थी स्थिरता की, श्रद्धा में नमन करते लोगों के मन की शांति की। 2019 में महाकाल बाबा के आशीर्वाद से श्री महाकाल महालोक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इसमें जनसाधारण की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उन्हें केवल बातचीत ही नहीं परंतु प्रशासन द्वारा उचित मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। मंदिर का परिसर एवं रुद्र सागर को मिलाकर पूरे स्थान का विस्तार 2.8 हेक्टेयर से 47 हेक्टेयर तक किया गया, जिसके लिए काफी लैंड इनक्रोचमेंट्स को हटाया गया, जगह जगह घरों का एक्विजिशन करके लोगों को विस्थापित किया गया, और पूरी जगह में स्थित 17 छोटे विद्यालयों को 2 खूबसूरत और बड़े विद्यालयों में संशोधित कराया गया। मंदिर के आसपास के स्थानीय लोग नाले के कारण काफी परेशान रहते थे, प्रशासन के द्वारा उसे भी साफ करवाया गया। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आ जाने पर उन्हें कोई असुविधा न हो, इसलिए पूरे स्थान को संभव स्वतंत्र बनाने का प्रयास और उनकी अनुभूति को स्मरणीय बनाने के लिए हरियाली पर बड़ा ध्यान दिया गया, जिसके लिए लगभग 50,000 से 60,000 बड़े पेड़ और झाड़ियां लगाए गए हैं। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास थे,
जिनकी रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम एवं मेघदूतम साहित्यिक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं, जहां प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद नहीं है। यहाँ के त्रिवेणी म्यूजियम के एक्सपर्ट्स की टीम, आर्कियोलॉजी की टीम और पीडीएमजी की टीम ने टेक्सचुअल रेफरेंस से उस दौर को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। इसलिए श्री महाकाल वन एवं श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर में लगाए गए पेड़ पौधे का धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी है। जब श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर पर मेजर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, तब इस सदी के सबसे भयानक महामारी कोविड ने दुनिया को जकड़ लिया। कोरोना के आते ही मृत्यु का डर सभी को सताने लगा था। देश में लॉकडाउन लगने के कारण श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर में भी सारे कामों को रोक दिया गया। एक अधूरा बना हुआ कॉरिडोर जैसे कि खुले आसमान के नीचे एक पथिक हो। प्रशासन के सामने बड़ी दुविधा और चुनौती थी कि किस तरह से मटेरियल एवं कारीगरों को एकत्रित करा जाए, परंतु कोरोना के वेग में कमी आते ही प्रशासन जोर शोर से फिर काम पर लग गया। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने जो समय ज्ञान की वृद्धि में लगाया था, उसे इस्तेमाल करने का अवसर प्राप्त हुआ। 11 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने श्लोकों की गर्जना के बीच विश्व के नजरों के सामने श्री महाकाल महालोक का उद्घाटन किया। अपने गौरव की, अपने वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है। महाकाल के आशीर्वाद से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी, और इसका लाभ सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। जय महाकाल। पर स्थापित मूर्तियों में शिव से संबंधित सारे प्रसंगों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इनमें से कुछ प्रसंग शिव पुराण से हैं। त्रिपुरासुर का प्रसंग हो या सप्तऋषि के माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास, या फिर देश के अन्य प्रदेशों में माने जाने वाली विभिन्न परंपराएं, इन सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। नंदी द्वार से आरंभ होने वाले महाकाल पथ पर बनी है 54 खूबसूरत चित्र दीवार, जिसमें शिव पुराण से संबंधित व्याख्याएं हैं। इन पत्थरों का काम साइट के अलावा देश के कई हिस्सों में चल रहा था, जैसे कि हिंदौ, जयपुर और उड़ीसा। प्रोजेक्ट शुरू करने पर प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अतिक्रमण हटाना और आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की। यह पुनर्वास इतना सरल नहीं था, क्योंकि इसमें एक सांप्रदायिक कोण भी जुड़ा हुआ था। लगभग 800 घर विस्थापित करे जाने थे, जिसके निवासी अलग अलग धर्मों के थे। अनेक तनावपूर्ण समय भी आए, जब प्रशासन को लगा कि शायद स्थिति बिगड़ जाए, लेकिन सभी जन के प्रयासों से इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की गई। शांतिपूर्वक बिना किसी विधि एवं व्यवस्था को तोड़ते हुए इस पूरे विस्थापन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया और विस्थापित लोगों को क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि दी गई। विस्थापित लोगों को जगह देना आसान था, पर समस्या ये थी कि काफी सालों से यहाँ रहने वाले परिवारों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, जिसके कारण वे इतने आसानी से अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु आज जब वे लोग श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर में आते हैं, तो उन्हें आत्मिक प्रसन्नता होती है कि प्रशासन का पुनर्वासन का निर्णय ठीक था।
इस कॉरिडोर के इलेक्ट्रिकल पोर्शन को अच्छे तरीके से करने के लिए यहाँ की टीम दिन रात काम पर लग गई, क्योंकि उनके सामने इतने भव्य प्रोजेक्ट के लगभग 20 से 22 हजार किलोमीटर के इलेक्ट्रिकल केबल्स को अंडरग्राउंड सेट करने का विशाल लक्ष्य था। इस प्रोजेक्ट को लगभग 445 से 500 किलोवाट का लाइटिंग लोड था, जो कि हर महीने का एक बहुत बड़ा बिजली का खर्च था। परंतु इस चुनौती का हल भी यहां की टीम के पास था। यहां पर उपयोग होने वाली सारी विद्युत सौर ऊर्जा से आती है, जो कि यहां पर बने सरफेस पार्किंग और दोनों शिक्षण संस्थान के ऊपर लगाए गए सोलार पैनल से उत्पादित होती है। इस कारण से महाकाल कॉरिडोर पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल है और यहाँ आवश्यकता से ज्यादा विद्युत उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत मंडल को दे सकते हैं। इस परियोजना को हर विधि से पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। जल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रुद्र सागर में व्याप्त गंदगी को साफ किया गया, क्योंकि वो मीथेन में परिवर्तित हो रही थी। इस प्रदूषण एवं हानिकारक मीथेन से मुक्ति पाने के लिए प्रशासन द्वारा सीवर लाइंस बिछाकर उसे खत्म कराया गया। इन्हीं कुछ प्रयासों से इस परियोजना के कार्बन फुटप्रिंट को सीमित रखा गया, जिसके कारण रुद्रसागर में जल गर्मी के मौसम में भी रहे, उसके लिए प्रशासन ने इसे शिप्रा नदी के जल से टॉप अप करने की व्यवस्था की है। प्रशासन द्वारा इस परियोजना को अतुलनीय बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया गया है। यहाँ के पूरे कैंपस को लगभग 600 स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के हाई एंड रेजोल्यूशन कैमरों से कवर किया गया है। इनमें कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो वहाँ के अनुसार कस्टमाइज किए जा सकते हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पर ऐसे 55 कैमरे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी होंगे। सुरक्षा बल के पास ऐसी सूचना हो जो कि सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है, तो कैमरों को दी गई जानकारी से ये पता चल जाएगा कि संदिग्ध व्यक्ति किन किन कैमरों के सामने से और कहां कहां से निकले हैं, और पूरे सिस्टम को अलर्ट कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई सैबोटाज करने वाली एक्टिविटी हो या कोई आत्मघातक वस्तु मिले, तो उसे ऐसे भी डिजाइन किया गया है कि हर स्थान के लिए निश्चित विवरण है कि वहां क्या क्या चीज होनी चाहिए, और अगर वहां कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट दिखता है तो शीघ्रता से एक अलर्ट नियंत्रण कक्ष के लिए जनरेट किया जाता है। अगर आम उज्जैन वासियों की दृष्टि एवं यहाँ की अर्थव्यवस्था के अनुसार देखें, तो श्री महाकाल महालोक प्रोजेक्ट एक प्रभावशाली परियोजना सिद्ध होने वाली है। यहाँ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, और इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या 2 से 3 गुना हो जाएगी। इससे चाहे यहाँ की होटल सेक्टर हो, कॉमर्स या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सभी के लिए बहुत लाभ होगा। आज जैसा कि भगवान महाकाल के दरबार में हमें भी 4 पीढ़ी हो चुकी है और 70-80 साल से भगवान के दरबार में, तो देखा है जबकि 5 लोग 4 लोग हम सीधे यहाँ से भगवान के दरबार में दर्शन करके आ जाए, चारों तरफ जंगल हुआ करता था, और आज जब यहाँ पे भगवान के दरबार में इतना भीड़ भाड़ का माहौल और जब इतना सब कुछ देखते हैं तो सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार आज क्या था भगवान की नगरी और आज क्या हो चुकी है। लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और दिल भर आता है अंदर से जब भगवान का ये पूरा अनूठा दरबार देखते हैं, जब कुछ भी नहीं था और आज सब कुछ है। पिछले 2 सालों के दिन रात के अथक प्रयासों का परिणाम है ये कॉरिडोर। इस भव्य प्रोजेक्ट से संबंधित लोग अपने कर्तव्यों के प्रति इतने खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका परिश्रम इतिहास रचने जा रहा है। जैसे जैसे यह प्रोजेक्ट अपनी संपूर्णता की ओर अग्रसित हो रहा था, वैसे वैसे इसे देखने आने वालों की संख्या बढ़ रही थी।
इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को अब एहसास हो रहा था कि वो उज्जैन के इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मंदिर की ओर जाता 920 मीटर का हेरिटेज कॉरिडोर, प्रवेश हेतु विशाल नंदी द्वार और पिनाकी द्वार, विभिन्न शिवानंद और तांडव स्वरूप के 108 स्तंभ, 25 फीट ऊंचाई वाली शिव पुराण आधारित चित्र दीवार, 17 हेक्टेयर में फैला रुद्र सागर तालाब और तट क्षेत्र, विराट सप्तऋषि की प्रतिमाओं के बीच 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ और शिखर पर पंचमुखी शिव, कमल कुंड फुव्वारे के केंद्र में विराजी शिव की अद्भुत प्रतिमा, 70 फीट लंबी त्रिपुरा सुरवध मूर्ति, ये अद्भुत दृश्य भव्य श्री महाकाल महालोक का एक छोटा सा हिस्सा है। 351 करोड़ की लागत एवं अटूट परिश्रम से बना श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर का प्रथम चरण प्रशासन, मंदिर समिति और नागरिकों के तालमेल और निष्ठा का अनूठा परिणाम है। जय महाकाल।